क्या पीनट बटर वेट लॉस में हेल्प करती है? क्या अगर हम पीनट बटर खाएं तो हमारा वेट लॉस हो सकता है या नहीं हो सकता है? तो दोस्तों काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे आपका वेट गेन भी हो सकता है और वेट लॉस भी हो सकता है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप पीनट बटर खाएंगे तो क्या आपका वेट कम होगा या नहीं होगा, क्योंकि जिनका वेट ज़्यादा होता है वो वेट कम करने के लिए परेशान रहता है और जिनका वेट कम रहता है वो वेट गेन करने के लिए परेशान रहते हैं। मतलब दोनों में ही अपोजिट होता है एक दूसरे का, तो वो सभी परेशान रहते हैं। वेट लॉस के अगर साइंस की बात करें तो वेट लॉस में क्या होता है, अगर आप अपनी मेंटेनेंस कैलोरी से कम लेने लगते हैं तो ऐसे में आपका वेट कम होने लगता है। पर यहीं पर आपका ये क्वेश्चन आएगा कि मैं तो ज़्यादा खाता हूँ और अगर मैं कम भी खाता हूँ तो मेरा वेट गेन जल्दी हो जाता है। तो दोस्तों ऐसे में आपकी बॉडी जो होती है वो जिस टाइम पर वेट गेन करना स्टार्ट कर देती है, तो अगर आप थोड़ा भी खाते हैं तो आपकी बॉडी वेट गेन जल्दी करती है, तो ऐसे में आपको उस प्रोसेस को थोड़ा रोकना होगा, तभी आपकी बॉडी वेट लॉस करेगी। उसके लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी दोस्तों, एक्सरसाइज भी करनी पड़ती है जिससे कि वेट कम हो, काफ़ी सारी ऐसी एक्सरसाइज जिनसे कि आपकी कैलोरी ज़्यादा बर्न होती है। मतलब आपकी अगर कैलोरी ज़्यादा बर्न होगी और उसके बाद आप कम कैलोरी लेंगे तो ऑटोमेटिक ही आपका वेट कम हो जाएगा। तो इसलिए आपको वो सभी एक्सरसाइज करनी होगी जिससे कि फिर आपकी बॉडी में ऐसे चेंजेस होंगे कि आपकी बॉडी वेट लॉस करना स्टार्ट कर देगी। ये तो दोस्तों हो गई वेट लॉस करने के पीछे का साइंस। और अब बात कर लेते हैं कि क्या पीनट बटर वेट लॉस में हेल्प करेगा या नहीं। तो वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया कि अगर आपको वेट गेन करना है तो कैलोरी आपको ज़्यादा लेनी होगी, और वेट अगर कम करना है तो कैलोरी आपको कम कर लेनी होगी। पर कुछ फूड ऐसे होते हैं जो कि कुछ टाइम तक आपको भूख नहीं लगने देते हैं, जैसे कि पीनट है, ये थोड़ा सा जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होती है, मतलब स्लोली स्लोली डाइजेस्ट होती है पीनट बटर, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा फैट होता है और दोस्तों फैट वाली चीज़ें थोड़ा सा देर से डाइजेस्ट होती हैं। इसलिए अगर आप पीनट बटर खाएँगे तो ये कुछ टाइम तक आपको भूख नहीं लगने देगा। और दोस्तों उसका क्या फ़ायदा आपको मिल सकता है कि आप काफ़ी देर तक कुछ ना खाकर भी रह सकते हैं, तो ऐसे में आपकी कैलोरी बॉडी में कम जाएगी और आपको वेट लॉस करने में हेल्प मिलेगी। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको वीडियो भी सही से समझ में आ गई होगी, और वीडियो पसंद आई तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।